एक से एक बाबा देखे हमने, लेकर ऐसे पीरे पीरे मुसमुंडा बाबा नहीं देखे। ये कौन सी वैरायटी के बाबा हैं भैया? क्या कह रहे हो है? आपने क्या कहा? ऐसे बाबा नहीं देखे। कैसे? ये आड़े ठाड़े धरे नहीं को हो तो क्या मैं आपको बाबा दिखाई दे रहा हूँ? को हम बाबा नहीं है तो कैसे हो? हम बनवासी है। बनवासी हो? हाँ। अच्छा बने बनाए हो? हम बनवासी बनकर के आए हैं। अच्छा, और हमारी भी अवधि है, समय सीमा है। अच्छा बनवासी बन के आए? हाँ। तो तुम समझ गए तुम को होगे? क्या अब समझ में आ गई? बनवासी बन के आए, बने बनाए हो, क्या समझे तुम? मतलब बने बनाए हो, बनवासी बन के आए, बने बनाए हो, मतलब बन के आए तो बने बनाए नहीं है? अब बस यही तो बात है। ऐसे नहीं है, बने बनाए नहीं है, और हम बन के स्वयं आए हैं। अरे भाई तो कह रहे हैं यहाँ कुछ अवधि है, 14 वर्षों के उपरांत हमें जब तुम्हारे पूरी पंचायत नहीं सुन रहे, समझे? तुम तो हमें जब बताओ भैया बुलाओ, हमें जानना चाहते हैं क्या आप केवट हैं? नहीं, हम तो केवट के मोड़ा है। चलो ठीक है, हमारी खोज कुछ तो पूर्ण हुई। यदि आप केवट की लड़का है तो हमें माँ गंगा के उस पार जाना है। नहीं जा पाओ क्या आप? क्यों नहीं जा पाओ? क्यों? गंगा में बाढ़ आ गई, नाव लगाई नहीं रही, ऐसे में मंगरा फिर रहे भैया। ऐसा नहीं है, नदी में बाढ़ कितनी भी हो, नौका के माध्यम से यदि केवट चाहे तो पथकों को पार कर सकते हैं। नाव हम चला ही नहीं पाते तो ये कहो ना कि चला नहीं पाते हैं। नाव तो केवल हमारे जदुआ चला पाओ। ददुआ कौन है? अम्मा की दूल्हा। वो है ददुआ, मैं समझा रही हूँ। नहीं समझ, भाई की दूल्हा। ये क्या है? मौसी के जीजा। हम समझ नहीं पा रहे हैं। बुगा के भज्जा भैया। हाँ आखिर कौन है ये? बहू के लला। वही बात, बात तो वही है। क्या ददुआ हमारे? ददुआ है कौन? ददुआ हमारे कौन है भाई? तो क्या नहीं, भाई के दूल्हा। अच्छा आपके कौन है? है? ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी तो नहीं है? हाँ मैं बाप है। तो बाप है? मैं पिता बेटा रंजन। तो ठीक है, ये तुम्हारी भाषा है। तो ऐसा करो, यदि आपके ददुआ नौका को चला सकते हैं तो आप उन्हें बुला ला। कैसे बुला ले? ददुआ बीमार डरो हम। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप कहाँ से आए? को हो पहले परिचय तो बताओ। भैया हम अयोध्या से आए। अयोध्या से? हाँ। हमारे पिताजी का नाम श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश श्री महाराज दशरथ जी। दशरथ जी हम उनके पुत्र हैं। हाँ माँ महाराज, हमारे ददुआ लिखात राज महाराज के राज दरबार में जाए रही तो आज चर्चा हुई रही कि महाराज दशरथ जी जो अयोध्या के राजा रही उनके ज्येष्ठ लड़का राम जी अयोध्या के राजा बन रही। हेलो, आर्य दो पे एक रुपया, दो पे एक रुपया हमारे भरत आर्य भड़ोकर, भरत आर्य भड़ोकर, ये दो पे एक रुपया आए हैं इनकी ओर से दान स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया आप जिनका नाम ले रहे हैं वह भी हमारे साथ में आए हैं। अच्छा तो आप हम तीन प्राणी हैं हमारे साथ में। क्या लोग हो? हम तीन प्राणी हैं। क्या लोग हो? वैसे तो हम तीन लोग हैं। अरे तीन लोग? साथ में हमारे भैया हैं और साथ में हमारी मैया भी है। रुक जा, तीन लोग हो? हाँ। गिना जो के जने हैं? साथ में हमारे भैया हैं। पहले भैया? हाँ। फिर हमारे साथ में हमारी मैया। मैया लोगों में है? हम भाई तो पूछे मैया लोगों में है। अच्छा ये भी होता है? हम क्या लोग हो? तुम बोले तीन लोग, बोले भैया फिर मैया फिर हम, तब मैया लोग में है। नहीं तो हम तीन प्राणी हैं। ऐसे बोलो प्राणी, तुम हमने कहीं लोग की पूछी। अब क्या करें, आप बार बार पूछ रहे हैं। हमने कहीं क्या लोग हो? हम तीन प्राणी हैं। तुम क्या देते दो लोग एक मेहरारू? भैया हमें समझ नहीं पा रहे थे कि ये भाषा आप समझ नहीं पाए। अच्छा 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 ठीक। आपका नाम क्या है? तीन प्राणी हैं हमारे साथ में हमारे भैया हैं जिनका अभी आपने नाम लिया, श्री राम। कौन से राम? अच्छा राम जी हैं। राम जी श्री राम जी। अच्छा आपको नाम? साथ में हमारी भैया है उनको नाम? उनका नाम श्री जानकी जी। अच्छा बिना कान की? वही भाई कम सुनते हो? अरे तुम्हें तो कह रहे कम सुनाई देता है। अच्छा अरे कान ना पकड़ो, क्यों?
क्यों महंगी है कलम? अच्छा 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 दूसरा नाम साथ में हमारी माता श्री का नाम श्री जानकी जी। जय हो जय। मेरा नाम लक्ष्मण। लट पकड़ ए हाउ हाउ लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा हम तीनों पानी माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। हम नाव नहीं चला पा, हम तो डोंगिया चला पाऊ। अच्छा ये डोंगिया क्या है? डोंगिया उसी से पार कर दूं? डोंगिया में एक ही बैठा था, एक। तो ऐसा करो ना, हम तीन पानी है, हाँ। एक एक करके पार कर दो क्रम से। अच्छा पहले तुम्हें लवा ले जाए, तुम्हें छोड़ जाए, फिर तुम्हारी मैया को लवा ले जाए, फिर छोड़ जाए, फिर तुम्हारे भैया को लवा ले जाए, घर वाले को ठेका ले लो। क्यों बताओ? क्योंकि तुम्हारा कार्य है। रुक जाओ रुक जाओ। क्यों? हमने कई बाँ में ये कई बैठा और तुम बैठ जाओ, क्या हो जाए? दो हो जाए कि नहीं हो जाए? ये बात है। सी बीच में गुप हो जाए। चलो कोई बात नहीं है, सी मिल जाए मंगरा से गुप हो जाए। हमारी इच्छा हो रही है। क्या है? अभी आपने हमारा परिचय पूछा, हमारे नगर का नाम पूछा, हमारा भी नाम पूछा, हमारे भैया का नाम पूछा, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया कि आप कौन हो। हमारा नाम, आपका नाम क्या है? जीजा। जीजा जीजा जीजा, ये क्या है? जीजा। अच्छा ये आपका नाम है जीजा? जीजा मारे जीजा जी कौ सारे जी। तुमने कही जीजा? नहीं अभी तुमने कहा कि हमारा नाम केवल एक है, जीजा। जीजा सुन लो, सारे जी सुन लो, सबके जीजा, ददुगा के जीजा, बाई के जीजा, जिज्जी के जीजा, मौसी के जीजा, पूरे गांव के जीजा। अच्छा आप जीजा, अब पूछो का है या जीजा नाम कैसे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा नाम है जीजा। जीजा अब मैंने आपको बुलाया जीजा जी, आपने उत्तर कुछ और दिया। जी हमारी भाषा है। आप हमें बताएं कि आपका ये नामकरण संस्कार किया किसने? आपका ये नाम कैसे पड़ा? ऐसे पढ़ो कि हमारी बाई के 30-35 मोड़ी मोड़ा भाई थे, 30-35 इकट्ठे भाई थे, सब मर गए, 38 में हम भाई। सुबाई ने ओली में पारो छाती पे हाथ फटकर लगी, बोली ठटरी बंद हो, जीजा जीजा जीजा, आग लगो हम जी गए। सो हमारा नाव धर दो जीजा। जब से नाम है जीजा, नाम एक ही है कि और भी नाम? एक नाम और है। और है? ओके ओके ओके। हाँ ये नाम कैसे पड़ा? हाँ हमारे बाई के मोड़ी मोड़ा होते, काउ के मुड़ी है, काउ के टुड़ी नन्या, काउ के हाथ है, काउ के पाँव नन्या। अब बाई सूर में परीती हम पैदा भाई, समय टुड़ी मुड़ी हाथ पाँव सब कछु हाथे। सो बाई हमारे दुकान नाव धर दो ओके, मोड़ा में कोनो कमी नन्या। ओके एक नाम और है। कितने नाम है तुम्हारे? क्यों तुम्हारे नाम कितने हैं? बहुत है, बहुत नाम, 4-6 नाम है हमारे। अच्छा अच्छा एक चलो ठीक है, एक नाम और बता दो। एक नाम और बताओ। ले ले। क्या ले ले भैया? दिन में ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए। ले ले हमें कुछ नहीं चाहिए, दिन में हमें केवल आपकी नौका चाहिए। अरे दिन में ले ले, रात में ले ले, चाहे तो फरिया में ले ले, जब मौका पड़े तब ले ले। भैया हाँ। हमने आपसे क्या कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नाम अभी आपने कहा कि मैं अपना नाम बता रहा हूँ, तो आप नाम बताओ ना। मेरा नाम है ले ले। आपका नाम है ले ले? ले ले जी तैयार है आपके क्या पार करने के लिए? आपके नाम अधिक है, अच्छे नाम है। अब ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ आओ, यहाँ अच्छी तरक्की कर रहे थे, दो बच्चे मोटर साइकिल से भर का है, बोले भसा डबो रहा हूँ भैया, रुक जाओ। अच्छा आप उस पार जा ले, आप नहीं जा पे, उसका कारण है बता रहे। क्या? कि मम्मी मायके से आई, अब पार का ले गया बाबा को कारण है, तदुगा हम बीमार काय है। कि मम्मी मायके से आई और मौसी साथ में ले आई,
मौसी मम्मी मायके से आई और मौसी साथ में ले आई। मौसी है बड़ी चालू और जब से छोड़ गए खाल। बल्लू बहुत मुश्किल मार रहे तुम आजकल कि ददुगा को चला बुखार। मौसी ले लगाई लाली ददुआ मेरा सीधा साधा मौसी का ये पक्का इरादा है कि मौसी है बड़ी चालू। मौसी मौसी साथ में ले आई कि मम्मी मायके से आई। चल बाल चल बाल चल बाल की मम्मी भीतर बैठी कि मम्मी मायके से आई कि मौसी साथ में ले आई कि मौसी है बड़ी चालू कि जब से छोड़ गए कि ददुआ को चला बुखार। चलो भाई बस भैया मैं काफी समय से देख रहा हूँ आप कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। बहाना नहीं है, सही कह रहे हैं। कभी मौसी आ गई कभी बीमार। ऐसा करो ददुगा बीमार है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक औषधि। औषधि? हाँ अच्छा जाकर के ददुगा के कान में देना। कान में देने बेरा नहीं मुझे क्या कान में दे बेरा हो जाए। मैंने ये तो कहा नहीं कि कान में देना। तुम्हें तो कह रहा कान में दे दियो। ये नहीं मैंने कहा मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ औषधि अच्छा वो ददुआ के कान में देना है। कान में देने हैं औषधि अच्छा। इतना कहना है कि हमारे घाट पर श्री राम जी आए। बस ठीक हो जाए। नाम सुनते ही उनका स्वाद ठीक हो जाएगा। उनका ही नहीं तुम्हारे सारे परिवार का ही नहीं संसार का कोई भी प्राणी हो किसी भी प्रकार का रोगी हो जो ये नाम सच्चे भाव से लेता है श्री राम नाम की औषधि जो है जब से पी जाए आप लोग क्यों कहे भाव के रूप में। जय हो आपकी। तो एक काम करे क्या वो दिखाई दे रहा है आपको बरगद का वृक्ष आप उसकी छाया में विश्राम करें। हम ददुआ आपको बुलाते हैं जलपुर से घाट पर मर रहे हो जी ददुआ। ठीक है कि छैया बिलवालो छैया बिलवालो कि प्रभु जी बढ़िया तारे बिला दो जाले का मर रहे। हाँ अब आप देखें केवट की भूमिका में जो हमारे बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध केवट अभिनेता हमारे श्री सोवरन परदेशी जी पर उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन और सुंदर राम केवट संवाद
और राम जी की भूमिका में हमारे उमर धर्मेंद्र सिंह तोमर जी कुड़री, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपना एक अलग से स्थल बनाया है ए संतोष स्टूडियो उल्दन के माध्यम से। इस सुंदर संवाद आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगा। तो लीजिए ददुआ को बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, जान का हम ददुआ हो ददुआ।